हेलो गाइस, देखिए हम मटन बना रहे हैं अलग स्टाइल से। तो इसमें शलगम भी डाले हैं और शलगम डाल के बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और बहुत ही स्वाद लगता है, बढ़िया मज़ेदार बनता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, एक अलग स्टाइल से ये मीट बनना है मटन। तो आप भी खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाइएंगे और आप बहुत बढ़िया मीट बना है। तो देखते हैं, चलिए देखिए बनाने के बाद देखिए कितना अच्छा रंग आया है। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मटन को पानी में भिगो लिया, उससे मतलब हम मसाला भी भून रहे हैं साथ साथ। तो मसाले में मैंने प्याज वगैरह भून लिया है और लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से भून लिया। इधर एक साइड मसाला भून लिया और सब भी धुल लिया और ये सूखे भी मसाले ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं कि हल्दी धनिया मिर्च भी मैंने ऐड कर दिया है। उससे पहले मैंने सूखे मसाले, जो खड़े मसाले होते गर्म मसाले, वो भी डाल दिया है। और अब मैंने इसके बाद नमक भी डाला है और इसको हम अच्छी तरह मसाले को पका रहे हैं। पका के अच्छी तरह बन गया है मसाला, भुन गया अच्छी तरह। फिर हम इसको जो मटन धो के रखा है इसमें हम मसाले में डाल देंगे मटन को। और मटन को डाल के देखो अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर देंगे। मिक्स करके बना के अच्छी तरह से देख सकते हैं आप। और इसको खूब अच्छे से पकाना है हमें। अच्छे से पका के देखे सब मसाले का, ये पानी मैंने धो के डाला है इसमें मसाले के मिक्सी में के जार में। और देख सकते हैं ये मैंने बाद में गरम मसाले भी ऐड करा है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, मिला के बढ़िया से इसको अच्छी तरह चलाएंगे, कसाते जाएंगे इसको। जितना मसाला हम पकाते उतना अच्छी सब्जी बनती है, रंग आता है उसमें। और बहुत अच्छी तरह हमने काफ़ी टाइम तक हमने पकाया है, 10 से 15 मिनट तक मसाले को भुना है। और इसमें जो तेल छोड़ जाता है मसाले में अच्छी तरह, जब तक हम इसको खूब पकाते हैं, पकाते रहेंगे ऐसी आप भी बनाइएगा। और इसके बाद मैंने देखिए ये शलगम जो था बहुत मोटा था, मैंने बड़े बड़े पीस इसमें डाले और ज़्यादा नहीं, 3-4 लगभग थोड़े ही डाले, क्योंकि एक एक भी आ जाएगा तब भी ठीक है। और ये, और उसके बाद मैंने देगी मिर्च कलर आने के लिए डाली, जिससे रेड हो जाएगा मसाला। और इसको बना के देखिए, अब मैंने इसके बाद पानी को भी डाला है, थोड़ा ग्रेवी वाला, थोड़ा मतलब तरी वाला जो बनाएंगे वो बहुत अच्छा लगता है। सूखा भी बना लो, हर तरह का बनता है। और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी रखा है, थोड़ा सा तरी वाला बनाएंगे और तरी वाले मटन बहुत टेस्टी लगता है, बनता भी बहुत बढ़िया है। सीटी लगा के देखिए, अब बन के मटन हमारा तैयार हो गया। देखो कितना अच्छा बना है, कलर भी आ गया है और बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया, गल भी गया है, ये पक के तैयार हो गया। और खाइएगा आप भी, और खूब बढ़िया मीट बना है। अब हम इसको, इसमें के बाद इसमें हम धनिया को भी डाल देंगे। धनिया को डाल के देखो अच्छे से हम चला लेंगे, फिर हम इसको सर्व कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी है, सब्जी कैसी बनी है, कमेंट करके बताइएगा। हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा बना। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।